रूस के लड़ाकू विमानों ने यूएस के MQ-9 ड्रोन को घेर लिया, फिर टक्कर मारने की कोशिश भी की गई, ऐसा देखा गया है सीरियाई क्षेत्र में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीरियाई क्षेत्र में रूसी लड़ाकू विमान खतरनाक तरीके से अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट्स MQ-9 ड्रोन के करीब उड़ान भर रहे थे और रूसी जेट ने उसे आइडेंटिफाई किया कि ये MQ-9 ड्रोन है और उसके ऊपर से फ्लेयर्स तैनात कर दिए। फ्लेयर्स का मतलब उसे घेर लिया। अब देखते हैं खबर में क्या है। आपको बताएं दमिश्क से ये खबर आई है, अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन जंग को लेकर हाल ही में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ऐसा वाकया पहले भी हो चुका है। इस बीच रूसी SU-35 लड़ाकू विमान फाइटर जेट के एक स्क्वाड्रन ने मंगलवार को अमेरिकी MQ-9 ड्रोन के ऊपर से खतरनाक उड़ान भरी थी और सीरियाई के हवाई क्षेत्र में प्रोटोकॉल बिल्कुल भी अलग टाइप का है, उससे हटकर रूसी लड़ाकू विमान अमेरिकी ड्रोन के फ्लाइट रूट के नज़दीक आ गया। रूसी लड़ाकू विमान ने अमेरिकी ड्रोन पर अपनी धधक ज्वाला भी बरसाई। उनके पास आग होती है ना, फ्यूल को जला देते हैं, साथ ही फ्लेयर्स तैनात किए। इससे खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। अमेरिकी सेना की ओर से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। यही होता रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी ड्रोन को घेर लिया और अमेरिकी ड्रोन से केवल कुछ मीटर की दूरी पर फ्लेयर्स तैनात किए। रूसी फ्लेयर्स में एक ने अमेरिकी MQ-9 पर हमला भी कर दिया, जिससे उसका प्रोपेलर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया। हालांकि MQ-9 चालक दल उड़ाए बिना रखने और ड्रोन को उसके घरेलू बेस पर सुरक्षित पहुंचाने में सफल रहा। आपको बताएं कि अमेरिकी सेना की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन MQ-9 सीरिया में ISIS के मिशन को नाकाम करने की उड़ान पर था। 3 अमेरिकी MQ-9 ड्रोन ISIS को निशाना बनाने के मिशन पे थे, तभी 3 रूसी लड़ाकू विमानों ने अपनी आक्रामक कार्रवाई शुरू कर दी और उसे घेर लिया। ये आपका ट्विटर पर भी ये आपका ट्वीट किया गया है और एक वीडियो भी शेयर किया गया है। आपको बताएं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल आपको इम्पोर्टेंट बात बता दें, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरिला ने कहा कि हवा में रूसियों का असुरक्षित और गैर प्रोफेशनल व्यवहार न केवल हमारे ISIS मिशन को कमज़ोर करता है बल्कि इससे अनअपेक्षित वृद्धि और गलत आकलन का भी खतरा बढ़ जाता है। आपको बताएं कि अमेरिका ने वर्ल्ड के अलग अलग देशों के अलग अलग कोनों में अपनी सेना को तैनात कर रखा है और उसी को वो अलग अलग उनके कमांडर्स होते हैं, जैसे अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर, ठीक है। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी के क्षेत्र में जो आपका ISI को काउंटर करने के लिए ड्रोन भेजा गया है उसी के ऊपर ही अटैक हो गया होता। इन घटनाओं पर चिंता और निराशा व्यक्त करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ग्रिनकेविच ने एक बयान जारी कर सीरिया में सक्रिय रूसी वायुसेना की गैर पेशेवर और असुरक्षित कार्रवाई की निंदा भी की। उन्होंने जोर देकर यह कहा कि इस तरह का व्यवहार अमेरिकी और रूसी दोनों सेनाओं को की सुरक्षा को खतरे में डालता है। रूसी सेनाओं से इस लापरवाह व्यवहार को तुरंत रोकने का आग्रह करते हुए ग्रिनकेविच ने एक पेशेवर वायुसेना से अपेक्षित व्यवहार के मानकों का पालन करने की अपील की। हालांकि सीरियाई हवाई क्षेत्र के भीतर घटनाओं के सटीक स्थान सहित ड्रोन ऑपरेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई, मतलब बताया नहीं गया। ये तो एक कॉन्फिडेंशियल बात है, लेकिन साफ है कि इस घटना से अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ चुका है। आपको बताएं कि ये घटना पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है। जय हिंद।